हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं अपने लिए एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ फ्रेंड। तो मैंने सोचा चलिए मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ ब्रेकफास्ट बनाना। ये मैंने एक टमाटर कट किया है और हरी मिर्च और एक आलू को छील कर अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में इसे भी कट कर लेती हूँ। छोटे छोटे टुकड़ों में ये आलू को मैंने कट कर रही हूँ। मैं आलू को मैंने कट कर लिया फ्रेंड और इसे पानी के अंदर 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक बाकी तैयारी करती हूँ। अब मिक्सी जार में एक रागी आटा है फ्रेंड, थोड़ी मोटी है इसलिए मैं मिक्सी जार में चला लेती हूँ। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हो उतने आप बना सकते हो। मैंने 4 चम्मच ले लिया है। अब इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। अब एक कॉट ले लिया है फ्रेंड। अब इसके अंदर आलू को डाल देती हूँ। आलू को डाल दिए। अब हरी मिर्च को, टमाटर को और 1 चम्मच, ज़्यादा खट्टी दही हो तो आप 1 चम्मच ही डालो, मैं 2 चम्मच डाल दी हूँ। इसके बाद इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ी सी हल्दी पाउडर थोड़ी सी डालूंगी फ्रेंड, ज़्यादा नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ी ही डालनी है। ये सबको एक साथ मिक्स कर लेती हूँ। अब इसके अंदर नमक भी अंदाज और स्वाद अनुसार आप डाल दीजिए। कितनी क्वांटिटी में आपको बनानी है उसके हिसाब से आप नमक भी ऐड कर दो। सबको मैंने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर रागी आटा जो मैंने पॉट में चलाया था इसको बारीक कर लिया। थोड़ी मोटी है तो खाने में थोड़ी अच्छी नहीं लगती है फ्रेंड, इसलिए मैंने इसे बारीक कर लिया है। ठीक है, अब इन सबको एक साथ मिक्स कर देती हूँ। अब इसके अंदर थोड़ी पानी डालूँगी। मुझे रागी का छीला नहीं बनाना है फ्रेंड। आप देखो मैं क्या बना रही हूँ। मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, हमारी कढ़ाई भी गर्म हो गई है। और तेल भी नहीं डालूंगी, एक बूंद भी तेल यूज नहीं करूंगी। बिल्कुल बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनने वाली है फ्रेंड। ये मैंने राई, लाल वाली जो राई होती है मैंने उसको डाला है। आप चाहो तो इसमें प्याज भी, इसके अंदर प्याज भी आप डाल सकते हैं। मैंने प्याज नहीं डाला है। और अब इसे अच्छे से इस तरह से इसको सोनी खुशबू आने तक इसको रोस्ट कर लेती हूँ। और इसके अंदर अब मेरे पास एक कड़ी पत्ता स्टोर किया हुआ था। आपके पास ताज़ी हो तो ताज़ी कड़ी पत्ता, आप ताज़ी कड़ी पत्ता यूज कर सकते हैं। अब ये अच्छे से रोस्ट हो गई है फ्रेंड। अब इसके अंदर अच्छे से पानी डालूंगी
क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से इसको पकानी है, इसमें लम्स नहीं हो। इस तरह से आप घोल लो। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। सिर्फ इसमें एक आलू डाला है फिर, तो शुगर वाले हो तो आलू को स्किप कर दीजिए, और प्याज लहसुन भी आप यूज कर सकते हो। अब सारे घोल को मैं इसमें डालकर अच्छे से पकाऊंगी। कम से कम 10 से 15 मिनट खूब अच्छे से पकानी है फिर। जितनी पकेगी उतनी अच्छी होगी और हेल्दी होगी। अब इसे देखो, इस तरह से पतली दम बिल्कुल इसकी घोल बना देनी है। अभी से धीरे धीरे पकने देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ फ्रेंड। अभी इस घोल को फ्रेंड लगातार इस तरह से हल्के हल्के चलाते रहना है, क्योंकि नहीं तो ये तले में बैठ जाएगी, ठीक है। और इसे मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है। मैंने एक थाली लिया है फ्रेंड। अब इसे थोड़ी सी सिर्फ ग्रीस करने के लिए देखो 2 से 4 बूंद मैंने घी यूज किया है। अगर जिनको घी तेल अलाउ है खाने का, वो ऊपर से घी डालकर खा सकते हैं। मैंने सिर्फ थाली को ग्रीस करने के लिए घी लिया है फ्रेंड। आप भी इस तरह से घी नहीं तो हल्की से 2-4 बूंद सरसों तेल से भी ग्रीस कर सकते हो। देखो फ्रेंड, हमारी ब्रेकफास्ट अच्छे से पक रही है, लेकिन अभी मुझे नहीं बंद करना है गैस, इसे अभी और गाढ़ी करना है। ऊपर जो झाग आ गई है फ्रेंड, इसे आप चाहो तो इस तरह से ऊपर से निकाल लेना। मैं निकाल देती हूँ, इसका कोई रीजन नहीं है, लेकिन मैं निकाल देती हूँ। इसके अंदर हमारी आलू है, इसलिए हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे धीरे धीरे पकाना है, ताकि हमारी आलू भी अच्छे से पक जाए। इस तरह की थिकनेस में फ्रेंड आप कटोरे में निकाल लो। जब आपकी आलू पक जाती है आप चेक कर लो, और इसे चम्मच से अच्छे से ब्रेकफास्ट कर सकते हो। अभी आलू पकी नहीं है तो इसे पकने देती हूँ। पक जाती है तो आप इस तरह का थिकनेस रखो कि आप चम्मच से भी इसे ब्रेकफास्ट कर सकते हो। मैं इसे थोड़ी गाढ़ी कर लूँगी और थाली में इसे ठंडी करके बिल्कुल बर्फी का आकार का कट कर लूँगी। आप चाहो तो जैसे भी, मैं आपको थिकनेस दिखाऊंगी फ्रेंड लास्ट में कि कितने थिकनेस पर हमने उतारा है। ये आलू हमारी पकी नहीं है, इसलिए अभी वेट करती हूँ। आलू पक जाएगी, अभी अच्छे से नहीं पकी है, थोड़ी और पक जाने देती हूँ, उसके बाद उतारती हूँ। देख लेती हूँ आलू पकी है या नहीं। गर्म है फ्रेंड तो इसलिए चम्मच से ही नहीं, अभी थोड़ी और पकेगी। और एक बात और फ्रेंड, ये पक जाती है तो इसके छींटे बहुत ऊपर तक उड़ते हैं, तो सावधानी रखनी है। या तो इसे गैस बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाइए या ढककर पकाइए, नहीं तो इसके छींटे चेहरे पर भी पड़ सकती है फ्रेंड, इसलिए सावधानी रखना। देख लेती हूँ फ्रेंड आलू पकी या नहीं। ये बिल्कुल पक गई है फ्रेंड, देखो। अब इसे थोड़ी सी मैं सूप की तरह ही एक बर्तन में निकाल लेती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ नाश्ते के लिए। और बाकी को देखिए ऊपर, ये अगर मैं इसकी गैस बढ़ाऊँगी तो ऊपर देखो इसके बबल ऊपर छींटे आने लगेंगे फ्रेंड, और थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी, जिसे मैं थाली के अंदर निकाल दूँगी ग्रीस की हुई थाली पे। और ये ठंडे होने के बाद इसके पीसे बर्फी की तरह आप कट करके पीस को उठाकर भी खा सकते हो, और उस
पीस को भी आप चाहो तो, आप तेल यूज करना चाहते हो तो तड़के लगाकर आप उसे फ्राई कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, इसे मैं थाली के अंदर निकाल लेती हूँ। मैंने जो थाली ग्रीस करके रखा था, अब उसके अंदर इस तरह से निकाल देती हूँ। और ये जब ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने सारे इस पेस्ट को निकाल लिया है, ग्रेवी को निकाल लिया। अब इसे ठंडे होने के लिए छोड़ देती हूँ। फिर उसकी आगे की प्रोसेस, जब ठंडी हो जाएगी, एक घंटा आधे घंटा लगेगा फ्रेंड। कोशिश करूँगी आपको कट करके दिखाऊँ।